सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल व स्वस्थ होंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए नई कथा व जानकारी को लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आप किसी भी विशेष कथा व जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी ही अनूठी कथा को लेकर आई हूँ। आप सभी देवर्षि नारद के स्वभाव से तो परिचित ही हैं, पर एक समय उन्होंने अपने स्वभाव के चलते लंकापति रावण को भिड़ा दिया था मृत्यु के देवता यमराज से। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी इस कथा की ओर। देवर्षि नारद महाबली रावण के पराक्रम को देखकर बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि उसका विजय अभियान निरंतर जारी था और अपने एक अभियान में उसने यक्ष सेना को तितर बितर कर और द्वंद्व युद्ध में कुबेर को परास्त कर उनसे पुष्पक विमान छीन लिया था जो ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिया था। उसने कई प्रतापी राजाओं जैसे दुष्यंत, सुरथ, पुरुरवा और अरण्य को पराजय स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। किसी राजा में साहस नहीं था जो रावण के सामने ठहर सके। रावण स्वभाव से ही दुष्ट था और वे देव, ऋषि, यक्ष, गंधर्वों का वध करके उनके उद्यानों को नष्ट कर देता था। नारद जी को रावण के ऐसे दुष्टता पूर्वक कामों से बहुत पीड़ा पहुंचती थी, इसलिए उन्होंने विशेष युक्ति से काम लेना तय किया। उन्होंने विचार किया कि मानवता की रक्षा के लिए क्यों ना इसे ऐसी महाशक्ति से भिड़ा दिया जाए जिसे जीतना किसी भी तरह संभव ही नहीं है। यह सोचकर एक बार वे मेघों पर सवार होकर रावण के पास पहुंच गए। रावण ने उन्हें प्रणाम किया और कुशल पूछकर आगमन का कारण पूछा। नारद ने कहा, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर संतुष्ट हूँ। हे रावण, तुम तो देवताओं से भी अवध्य हो, तब इन बेचारे मनुष्यों को क्यों मारते हो? इन्हें मारने से तुम्हें क्या यश प्राप्त होगा? ये मनुष्य तो सदा ही अनेक विपत्तियों में फंसे रहते हैं और सैकड़ों व्याधियों से घिरे रहते हैं। राक्षसराज भूख, प्यास, बुढ़ापे आदि विधानों से मनुष्य सदा क्षीण होते रहते हैं और शोक एवं विषाद से कातर रहा करते हैं। इसलिए मोह में फंस स्वयं नष्ट होने वाले मृत्यु लोक के इन सतृप्त प्राणियों को पीड़ा देकर तुम क्यों अपनी शक्ति को व्यर्थ करते हो? अंत में मृत्यु लोक के समस्त जीवों को यमपुरी जाना ही पड़ता है। अतएव हे महापराक्रमी रावण, तुम यमराज की पुरी पर चढ़ाई क्यों नहीं कर देते? क्योंकि उसके जीत लेने पर निसंदेह तुम अपने को सबको जीता हुआ ही समझोगे। अपने तेज से दीप्तिमान लंकापति रावण इस प्रकार नारद जी के समझाए जाने पर बोला, मैं इसी समय विजय के लिए रसातल स्थित यमपुरी जाने को तैयार हूँ। फिर तीनों लोकों का जीतकर नागों और देवताओं को अपने वश में करूँगा। बाद में अमृत प्राप्ति के लिए मैं समुद्र को मथूंगा। हे महाब्राह्मण, तो मैं अभी यमपुरी में जाता हूँ, जहाँ समस्त प्राणियों को सताने वाले उस यमराज को मैं मार ही दूंगा। यह कहकर नारद मुनि को प्रणाम कर अपने मंत्रियों सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। रावण की ऐसी अद्भुत बातें सुनकर नारद जी तो विचार मग्न ही हो गए। वह सोचने लगे, आयुष्य के क्षीण होने पर इंद्र सहित तीनों लोकों में जो न्याय दंड देते हैं, उस काल को कैसे जीता जा सकता है जो यमराज स्वयं जगत साक्षी हैं
और जिनके भय से व्याकुल हो त्रिलोकी भागते हैं, उन यमराज के निकट यह राक्षस राज रावण स्वयं की इच्छा अनुसार कैसे जा सकेगा, जो संसार के धाता विधाता हैं, जो पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं, शासन करता हैं और जिन्होंने तीनों लोक जीत रखे हैं, उन यमराज को यह कैसे जीत सकता है? यह तो बहुत ही कौतूहल वाली बात है। इसलिए मैं स्वयं यमराज और रावण का युद्ध देखने यमपुरी जाऊंगा। यह सोचकर मन के संकल्प से देवर्षि तत्काल यमपुरी जा पहुंचे। यमपुरी में जाकर उन्होंने देखा कि यमराज अग्नि को साक्षी कर जीवों का यथोचित न्याय कर रहे हैं, अर्थात जिसका जैसा अच्छा या बुरा कर्म है उसके अनुसार उसको पुरस्कृत या दंडित कर रहे हैं। यमराज ने नारद जी को देखकर उनका सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे पितृराज, दुर्जेव रावण आपको बल प्रयोग अपने वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है। देखूं काल दंड चलाने वाले आपकी जीत होती है या फिर हार। इसी बीच में सूर्य के समान दीप्तिमान रावण का पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। महाबली रावण ने देखा कि वहां समस्त प्राणी अपने अपने पुण्यों और पापों का फल भोग रहे हैं। यमराज के महाभयंकर रूप धारण करने वाले यमदूत प्राणियों को अनेक प्रकार से यातनाएं दे रहे हैं, जिसके कारण वे वहां पे सभी लोग व्याकुल हैं। यह देख रावण को बहुत क्रोध आया और उसने ऐसे प्राणियों को जबरदस्ती छुड़ा दिया, जिससे उन प्राणियों को आचित्य सुख प्राप्त हुआ। यह देखकर यमराज के सैनिक और अनुचरों ने कुपित होकर रावण पर आक्रमण कर दिया। उन सशस्त्र अनुचरों ने पुष्पक विमान से भी भारी तोड़फोड़ की, किंतु अपनी दिव्यता के कारण वह विमान स्वतः ही पूर्वानुसार हो गया। रावण और उनके मंत्रियों ने भी उन अनुचरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी। इस भयंकर युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में दोनों ओर के लोग आहत हुए। रावण ने तब बाणों को पाशुपतास्त्र से अभिमंत्रित कर छोड़ दिया। उस अमोघ दिव्यास्त्र के प्रभाव से यमराज के सभी सैनिक भस्म हो गए। यह देखकर रावण बहुत जोर से गर्जना करने लगा। रावण का घोर नाद सुनकर यमराज ने समझ लिया कि रावण की जीत हुई है और मेरी सेना नष्ट हो गई है। तब यमराज अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने सारथी को तुरंत रथ उपस्थित करने का आदेश दिया। सारथी ने तत्काल उनका दिव्य और विशाल रथ लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर महातेजस्वी यमराज सवार हुए। इस चराचर जगत का संहार करने वाले मृत्यु के देवता पाश और मुद्गर सहित यमराज जी आगे की ओर बढ़े। यमराज का अमोघ अस्त्र काल दंड भी मूर्तिमान होकर रथ पर सवार हो गया। यमराज को इस प्रकार कुपित देख तीनों लोग थर्रा उठे, किंतु रावण पर इसका तनिक भी असर नहीं हुआ। यमराज ने रावण पर अनेक अस्त्र चलाए। उधर रावण ने भी यमराज के रथ पर बाणों की जोरदार वर्षा की। यमराज ने रावण के साथ ऐसा भीषण युद्ध 7 दिनों तक किया, फिर भी दोनों युद्ध भूमि में डटे रहे। रावण ने मृत्यु के 4, सारथी के 7 और यमराज के मर्म स्थल पर असंख्य बाण मारे। तब महाराज यम ने भी कभी निष्फल न जाने वाला काल दंड उठाया। जब यमराज रावण पर काल दंड चलाने को तैयार हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यमराज से कहा कि तुम इस काल दंड को चलाकर इस राक्षस राज को मौत देना चाहते हो, क्योंकि हे देवेश्वर, मैं इसे वरदान दे चुका हूँ और तुम्हें मेरी बात असत्य नहीं ठहरानी चाहिए। यह काल दंड जिसे मैंने ही बनाया है अमोघ है और इसे छोड़ देने पर त्रिलोक में कोई जीवित नहीं बच सकता।
फिर एक बात और है, इसके प्रहार से रावण ना मरा अथवा मर ही गया तो मेरा वचन दोनों ही प्रकार से मिथ्या हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर धर्मात्मा यमराज ने कहा कि आप ही मेरे स्वामी हैं, इसलिए आपकी आज्ञा से इस दंड को रख देता हूँ, परंतु आप ये बताएं कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आपके वरदान से यह अवध्य हो गया है, इसलिए इस राक्षस राज की दृष्टि से मैं अदृश्य हो जाता हूँ। यह कहकर यमराज रथ सहित वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। यमराज के अदृश्य होने पर स्वयं को जीता हुआ मान रावण ने अपनी जीत की घोषणा की और चारों तरफ ढिंढोरा पिटवाया। पुष्पक विमान पर सवार होकर यमपुरी से अपने लोक की ओर चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।